खबर इंदौर से है, जहां एक सिपाही पर जानलेवा हमला कर दिया गया है। बताया जाता है कि वह शराब के नशे में घायल अवस्था में पड़ा मिला था। वह दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। फिलहाल अधिकारी पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। सिपाही की हालत खतरे से बाहर बताई गई है। DCP संपत उपाध्याय के मुताबिक रात में सूचना मिली थी कि कनाड़िया थाने का सिपाही सत्येंद्र राठौर भूरी टेकरी के यहाँ घायल अवस्था में पड़ा है, जिसके बाद FRB की मदद से उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिपाही थाने में संतरी पहरे पर था। शाम 6 बजे वह ड्यूटी से चला गया था। इसके बाद वह थाने पर उसकी जानकारी नहीं थी। वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक सत्येंद्र के सिर पर चोट के निशान है। संभवतः सिर पर कांच की बोतल और पत्थर से हमला किया गया है। इस मामले में थाने में ही उसके कुछ साथियों से अधिकारियों ने पूछताछ की है। मामले में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। सर, एक कोई मामला आया है? क्या मामला है सर? कनाड़िया थाने में पदस्थ एक आरक्षक के सदस्य जिनको घायल होने की जानकारी मिलने पर भी इलाज के लिए बुलाया गया है। उनका इलाज चल रहा है। ये थाने में समानता संदेह ड्यूटी करते हैं। वहाँ ड्यूटी से फ्री होने के बाद एक घर जा रहा है और उसके बाद घर पे पुलिसों को विलंब हुआ, तो घर वालों की चिंता जाहिर करते हुए उनको खोलना शुरू किया था। इसी समय जानकारी पता चली कि घायल अवस्था में पड़े मिले हैं, उनको इलाज के लिए लाया गया है। इलाज में जो चीज़ें आएंगी और बाकी स्टाफ और आसपास के क्षेत्रों में बातचीत करने में कई चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी कि भी मामला है क्या। सर, तो क्या अभी घायल मतलब किस घायल अवस्था में बातचीत करने की कोई नहीं है? इलाज रहते हैं नहीं तो कोई सर चोट वोट के निशाने क्या है कुछ? सर पे इनके चोट है, रहा है और अभी इलाज चल रहा है। इलाज के उनसे बातचीत हो पाएगी। सर, कुछ हमले हमले की भी जानकारी? ये अकेले ही थे मौके पर, कभी कोई चश्मदीद उसका लोकेट नहीं हुआ है।